हेलो चिल्ड्रेन, आई एम रविंद्र कुमार एंड वेलकम बैक यू इन दिस वीडियो सेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन 8 ऑफ योर EBS टेक्स्ट बुक एंड द टॉपिक इज फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। नाउ यू कैन सी हियर ए पिक्चर हैज बीन गिवेन हियर and in this picture a girl is pumping her spray guns towards this girl and the girl sprinkles colors on this girl। अर्थात एक लड़की एक दूसरे लड़की के ऊपर कलर्स यानी रंगों का छिड़काव कर रही है, छिड़क रही है। और यह पिक्चर दिखाता है कि यह एक त्यौहार। इस तस्वीर में दो लड़कियां आपस में त्यौहार मना रही है जिसका नाम होली है, और आपको यहाँ होली ही लिखना है। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। वी इंजॉय एंड हैव फन ऑन फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल पर खूब मजा करते हैं तथा इसे इंजॉय करते हैं। These are of two types, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? National festival and religious festival। National festivals, festivals which the people of a nation celebrate to recall an important event of the past are called national festivals। अर्थात एक देश के लोग अगर ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने के लिए, या ऐसी कोई घटना जो उनके देश में घटा हो और उनको याद करने के लिए मनाते हो, उन्हें नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। उनमें से एक है रिपब्लिक डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर, यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन राजपथ पर, न्यू दिल्ली में राजपथ है, नई दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। इंडिपेंडेंस डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15 एवरी ईयर, यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, भारत को इस दिन आज़ादी मिला था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे, इस दिन प्रधानमंत्री जो हमारे देश के होते हैं अर्थात भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा को नई दिल्ली में रेड फोर्ट पर, लाल किला पर फहराते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2nd एवरी ईयर, यह हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के जन्मदिन है। अब आते हैं हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल पर। पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वेज, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीक़ा से या अलग अलग त्यौहार मनाते हैं।
कुछ अलग तरीका अपना करके लेट अस रीड अबाउट देम। अब हम लोग वन बाय वन उन सारे त्यौहार को पढ़ेंगे, जैसे कि दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यह प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। ऑन दिस डे वी डेकोरेट आवर होम्स विथ दियाज, यानी इस दिन हम लोग अपने घर को दिया से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, एंड लाइट्स और प्रकाश से भी सजाते हैं। पीपुल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स देते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स और स्वीट्स को साझा किया जाता है। दशहरा, ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, अर्थात इस दिन भगवान राम रावण को मारा था। रावण कौन था? लंका का एक दुष्ट राजा था। मॉडल्स ऑफ रावणा स्टफ्ड विथ क्रैकर्स एंड आर बर्नड ऑन दशहरा डे, अर्थात एक रावण का प्रतिमा तैयार किया जाता है जिसमें पटाखा लगा रहता है और उसमें आग लगा करके उस पटाखे को जलाया जाता है और वह मॉडल जो आकृति होती है रावण का उसको जला के गिराया जाता है। अब है ईद उल फितर। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ होल मंथ ऑफ फास्टिंग, पीपुल गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज। ईद जो है ऐसा महीना में मनाया जाता है जिस महीना में पूरी तरह से लोग फास्टिंग में रहते हैं। लोग ईद के रोज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। गुरु पर्व, इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ द मेजर गुरु ऑफ सिक्स, यह मुख्य गुरु सिख के जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। सिख धर्म के मुख्य गुरु जो थे इनके जन्मदिन को निरूपित करता है। पीपुल गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे, लोग गुरुद्वारा जाते हैं। लोग गुरुद्वारा जाते हैं अपना प्रार्थना अर्पित करने के लिए। कलरफुल प्रोसेशंस आर टेकन आउट एट वेरियस प्लेसेस, रंग बिरंगे जुलूस निकाला जाता है अलग अलग जगहों पर। अब है क्रिसमस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर 25 एवरी ईयर, अर्थात यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, यह जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन होता है। पीपुल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज ऑन दिस डे, लोग इस दिन क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तथा चर्च अपनी प्रार्थना को अर्पित करने के लिए जाता है। यहाँ देखिए लिखा है, डू यू नो द बाइबिल इज द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, यानी क्रिश्चियंस के पवित्र किताब होली बुक बाइबिल होती है। नेक्स्ट है अदर सेलिब्रेशंस, अर्थात कुछ दूसरे त्यौहार पर्व। ए पर्सन्स बर्थडे इज ए स्पेशल डे फॉर हिम और हर, एक व्यक्ति का जन्मदिन एक खास दिन होते हैं उसके लिए। वी सेलिब्रेट बर्थडेज विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स,
हम अपने जन्मदिन को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलके मनाते हैं। वेडिंग, वेडिंग इज ऑल्सो ए स्पेशल डे, अर्थात वेडिंग भी एक खास दिन होता है। इट इज सेलिब्रेटेड विद फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ओवर सेवरल डेज। यह परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ कई दिनों तक मनाया जाता है। पीपुल सिंग डांस एंड ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, लोग गाते हैं, नाचते हैं और बहुत सारे मिठाइयाँ तथा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। कब? वेडिंग में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।